घर के अंदर फंदे से लटकता मिला था महिला का शव। परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। बहराइच जिले के तहसील मोतीपुर अंतर्गत थाना सजोली क्षेत्र के बिस्नापुर गांव में 28 अक्टूबर की रात 40 वर्षीय महिला मेनका पत्नी सुरेश का शव फंदे से लटकता पाया गया था। इस दौरान पति बाहर था। मौके पर पहुंचे पति और महिला के पिता व महिला की बच्ची ने बताया कि हत्या के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मौके पर सूचना पाकर पुलिस पहुंची थी। इसके पश्चात महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? राम नरेश। कहाँ रहते हैं? सूर्यपुरवा। क्या हुआ था 28 तारीख की रात को? 28 रात को 1 बजे फोन आवा हमारे थी कि तुम्हारी बेटी को मार के धक्का दी। तब हम रात को यहाँ से गए अम्बा बिस्नापुर। तो बिस्नापुर गए तो वहाँ देखे जाके तो फिर सुबह फिर हम आए थाने में इतला दिया। दरोगा जी से कहा तो फिर यहाँ कोई सुनवाई नहीं की। बस इतनी बात है। फिर दरोगा जी गए वहाँ पोस्टमार्टम की। फिर हमसे पंचनामा लिखते। अच्छा, तो क्या आरोप है आपके, यानी आपने किस पर हत्या का आरोप लगाया है? अपने हत्या का आरोप अच्छे पर। ये कौन है? ये है हमारे दामाद का भाई। अच्छा, दामाद का भाई है। आपके दामाद मौके पर मौजूद थे? ना, दामाद हमारा 4 महीने से बाहर था। अच्छा, बाहर थे। घर पर कौन कौन था जब ये हत्या? खाली 2 लड़की थी। घर पर रहा नहीं, घर पर रहे के बाद चली गई भात खाए और वहाँ लड़की अकेली रह गई। बस उसी को मार करके तारी फिर इसको पता दे। तो क्या यानी मांग क्या है आपकी? क्या मांग? को हमको मांग यही है कि जो हत्यारा है उसको बंद करें। अच्छा, जिन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं उनको पकड़ा जाए। हाँ, यही मांग है आपकी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी? हाँ, गई थी। सुरेश कहाँ रहते हैं? बिस्नापुर। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हड़काया था मुझे फोन पे। किसने हड़काया था? अच्छे। कौन है ये? भाई हमारा। अच्छा, कहाँ रहता है? बिस्नापुर। क्या हुआ था बिस्नापुर में आपकी पत्नी के साथ, पूरी चीज बताइए। मारपीट कर उसको लटकाया गया था। मृत्यु हो गई? हाँ। अब बोलने लगा तू यहाँ पे मत आ, वहीं मर जा। और फिर कहने लगा अगर आएगा तो यहाँ मार डालूंगा। बस इतना ही बात। कहाँ रहती हो? बिस्नापुर। क्या हुआ था उस दिन रात में? रात में हम लोग छठी में गए थे और बाद में हमारे चाचा आए थे, खूब दारू शराब पिए थे। हमारे जाने के बाद मतलब 1 बजे लगे तो कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी को मार के लटका दिए, चलो घर। तो हम लोग आए तो देखे लटके पड़े तो कहे कि अगर पुलिस थाना में बताओगे तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे पापा को मार देंगे। और हमारे मतलब पापा कहने लगे कि भूल मतलब घरे नहीं आना। तो हमारे पापा जब बाहर चला जाए तब हमारे चाचा फिर आवे लगता है। तो फिर बाद में पापा आ जाए तो आया वाला रहता है।